नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। आप देख रहे हैं भारत एट नाइन और आज का एपिसोड जो है वो तीन राज्यों की राजनीति पर टिका हुआ है, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन जो है वो 2024 के लोकसभा चुनाव से है। जी हाँ, पूरा फोकस बीजेपी पर रहने वाला है और फिर हम विपक्ष की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग कर रही है। आज जो तस्वीर निकलकर सामने आई, क्योंकि आज जो आखिरी पत्ता था वो खुल गया, आखिरी पत्ता था राजस्थान का और राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। तो इससे कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की जो डगर है वो पता चल रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान कर दिया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की बागडोर सौंप दी, जबकि छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय बना दिए गए। वहीं भजनलाल शर्मा राजस्थान के सीएम होंगे। भले ही राजस्थान की जनता भजनलाल शर्मा को जानती हो, लेकिन अगर किसी आम व्यक्ति से आप पूछ लेंगे तो शायद वो ना जानता हो कि भजनलाल शर्मा आखिर है कौन जो राजस्थान के नए सीएम होंगे। विष्णुदेव साय आदिवासी इलाके में चर्चित है, लेकिन अगर आप दिल्ली में किससे पूछेंगे तो उन्हें नहीं पता होगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी हालात ऐसे हैं, यूपी और मध्य प्रदेश का कनेक्शन है, लेकिन दिल्ली में अगर आप किससे पूछेंगे तो शायद नहीं पता होगा। अभी आप बोलेंगे कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। बिल्कुल सही कहा आपने, यही तो प्लानिंग है, यही बात है, नए चेहरों को, नए लोगों को मौका देना। बीजेपी हमेशा से ये कहती रही है कि हम नए लोगों को मौका देते हैं और आज बीजेपी ने कर दिखाया। जिस तरह से तीनों राज्यों में जो पुराने चेहरे थे उनको हटाकर नए को चाबी दी है राज्य की, वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है कि युवाओं की तरफ आगे बीजेपी बढ़ रही है। उधर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के हाथ से कमान लेकर मोहन यादव को दी गई, उधर रमन सिंह पीछे रह गए और विष्णुदेव आगे चले गए, और इधर वसुंधरा राजे जिन पर सबसे ज़्यादा फोकस था, ना वसुंधरा राजे, ना बाबा बालकनाथ, कोई नहीं, भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए सीएम होंगे। अब इसके साथ ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना एजेंडा भी साफ कर दिया है। बीजेपी ने जो तीनों राज्यों के सीएम पद के नाम फाइनल किए हैं, उनमें 2024 के लोकसभा चुनाव की जो छाप है, जो झलक है, वो देखी जा सकती है। आगे वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या ये झलक है और क्या ये छाप है। तो बीजेपी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने के साथ साथ 2024 के लिए सियासी जमीन तैयार करने की एक कोशिश की है। यही कहें कि कोशिश करने में कहीं ना कहीं सफल भी बीजेपी हो सकती है। बीजेपी की नज़र इन राज्यों में जातिगत समीकरण बैठाने पर सबसे ज़्यादा थी। अब आप ये कहेंगे बीजेपी जाति की राजनीति नहीं करती है, लेकिन अगर इन तीनों ही चेहरों को आप देखेंगे तो जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की है। मैं ये नहीं कह रही कि जातिवाद या जाति के तहत राजनीति की गई है, लेकिन जातिगत समीकरण बिठाने की पुरजोर कोशिश है, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर सोशल मीडिया पर आप खंगालेंगे तो सोशल मीडिया पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी। देखिए, आगे हम बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो बीजेपी को कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं, आगे उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ज़रा जो तीन नाम सामने आए हैं, जो तीन राज्यों के सीएम बने हैं, उन पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। मोहन यादव को एमपी का सीएम बनाया गया। देखिए, यहाँ पर राजनीति ये है और यहाँ पर टारगेट ये है कि कांग्रेस लगातार ओबीसी का मुद्दा उठा रही थी। अब ऐसे में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया और कांग्रेस को जवाब मिल गया। ओबीसी ओबीसी का नारा लगातार कांग्रेस लगाती रही कि आप जातिगत जनगणना कराइए, ओबीसी पर आप क्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जवाब मांग रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से, और शायद यहाँ मोहन यादव को उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री बना दिया है, ये साफ है कि जातीय समीकरण बहुत ही बखूबी तरीके से बैठाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर ओबीसी वोट भी साधने की कोशिश की है। ये सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी वोट काफी अहम माना जाता है। अब ऐसे में मोहन यादव को आगे करके बीजेपी ने हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले शानदार सियासी पिच तैयार कर ली है
और कैप्टन बने हैं हमारे मोहन यादव, जिनकी कैप्टेंसी में पूरी कैबिनेट एक पूरा ताना बाना बुनेगी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। अब इसी तरह राजस्थान का रुख कर लेते हैं। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को कमान आखिरकार क्यों दी गई, बड़ा सवाल है। किसी ने नहीं सोचा था, तीनों ही राज्यों में चौंका दिया, लेकिन राजस्थान में तो सबसे ज्यादा चौंका देने वाला खुलासा आज हो गया कि भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार ही सीएम पद मिल गया, और ऐसा बीजेपी में ही मुमकिन हो सकता है। राजस्थान में बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया है और पार्टी ने प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की है। जी हाँ, भजन लाल शर्मा ब्राह्मण जाति से आते हैं और यहां पर भी उन्होंने एक जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश करती है। आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में करीब 89% हिंदू आबादी है, इनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 18% जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या 13% के आसपास है। ब्राह्मणों की संख्या 7% के करीब है। अब ऐसे में बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को आगे करके ब्राह्मण वोटर्स को रिझाने की कोशिश तो पूरी कर ली है कि ब्राह्मण वोटर्स जो है वो कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल। और बीजेपी ने अपने इस ठोस वोटर्स पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ब्राह्मण चेहरे को सामने किया है। हालांकि यहाँ बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी सी टारगेट हुई है, मैं नहीं कह रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे राजनीतिक पंडित हैं और सोशल मीडिया पर भी ऐसा चल रहा है कि बीजेपी पर हमेशा से ही आरोप लगते रहे कि बीजेपी जो है वो सिर्फ सवर्णों की पार्टी है, लेकिन आज जिस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले अर्जुन राम मेघवाल को लेकर जिक्र हो रहा था लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो ब्राह्मण चेहरा सामने कर दिया गया है। उन ब्राह्मणों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। वसुंधरा राजे के साथ तो और लोग हैं ही, इधर गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ भी हैं, दिया कुमारी के साथ भी हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा ताना बाना बुन लिया गया है। जो तबका बीजेपी से कहीं ना कहीं दूर रह गया था उसको पूरी तरह से हाईलाइट करने की कोशिश की है दोनों ही राज्यों में। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं या राजस्थान की बात करूं, इधर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स पर सबसे ज्यादा नजर बीजेपी की है। छत्तीसगढ़ में तो चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए थे। अब सीएम के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही थी, रमन सिंह का नाम रेस में था लेकिन हुआ कुछ उलट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विष्णु देव साय को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दी और निर्णायक माना जाता है आदिवासी वोटर्स, ये सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि एक तिहाई आबादी जो है वो आदिवासी है। 90 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में 29 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, आप तभी समझ जाइए। इसके अलावा राज्य में 11 लोकसभा की सीटें हैं, इनमें से 4 सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। अब कहाँ, देखिए राज्य विधानसभा के चुनाव हुए हैं और सीधा जो कनेक्शन है वो लोकसभा चुनाव से यहाँ जोड़कर बीजेपी देख रही है, और इसी तरह से ताना बाना बुना गया, चुनाव प्रचार भी इसी तरीके से हुआ, और उसके बाद यहाँ पर इतना समय क्यों लग गया बीजेपी को पूरा एक कहीं ना कहीं रणनीति तैयार करने में, इतना समय इसीलिए लगा बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ताना बाना बुन रही थी। उन्हें पता था कि हम इसको पूरी तरह से लोकसभा से जोड़कर ही चलेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, कहाँ कमी रह गई है और कहाँ ज्यादा जरूरत है, किसकी ज्यादा जरूरत है, जातीय समीकरण कहाँ बिठाना है, वोटर्स को कहाँ साधना है, ये बीजेपी पूरी प्लानिंग के साथ किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से सीएम बनने का जो दाव बीजेपी ने चला है उसका असर झारखंड ओडिशा जैसे राज्यों पर पड़ सकता है जहां बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। तो ये तो बात हो गई इन तीनों सीएम की जिनकी घोषणा की गई है कि कैसे कैसे वोटर्स को साधने की कोशिश कर सकते हैं। उधर ओबीसी को टारगेट करने की कोशिश की, इधर आदिवासी को टारगेट करने की कोशिश की छत्तीसगढ़ में, और राजस्थान में ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की, क्योंकि पता था कि राजस्थान में ब्राह्मण जो हैं उनको बीजेपी उतना नहीं छू पा रही है, लेकिन आज जो बीजेपी ने किया है वो वाकई कहा जा सकता है कि अब ब्राह्मण भी बीजेपी ब्राह्मणों को टारगेट करने की पूरी कोशिश यहाँ की जा रही है। उधर ओबीसी, क्योंकि ओबीसी का मुद्दा लगातार गर्माता रहा, विपक्ष लगातार कहता रहा कि ओबीसी पर आप क्या कर रहे हैं, ओबीसी पर आप क्या कर रहे हैं, तो बीजेपी को पता है कि हिंदी भाषी राज्यों में उन्हें किस तरह से आगे बढ़ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें इन्हीं राज्यों में हैं, इसीलिए इतना गुणा गणित किया गया। लेकिन सवाल ये है, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अपने यूट्यूब चैनल्स चला रहे हैं, बड़े पत्रकार हैं, नामी पत्रकार हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो उन्हें देखते हैं,
उन्हें पसंद भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन्हें नहीं भी पसंद करते, लेकिन उन्होंने इसमें भी कहीं ना कहीं एक बीजेपी को गलत ठहराने की कोशिश की है। और उनका कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा किया है, बीजेपी ने उन लोगों को धोखा दिया जिन लोगों ने चुनाव जिताए। हालांकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है कि उन्हें किसे सीएम बनाना है किसे नहीं बनाना, ये पार्टी तय करेगी। धोखा दिया है नहीं दिया है, नए चेहरों पर दाव खेला, पुरानों को छोड़ दिया, ऐसा कुछ क्योंकि बयानबाजियां जो हैं वो कुछ ऐसी आ नहीं रही हैं। खुद वसुंधरा राजे, जानकारी मिली है कि खुद वसुंधरा राजे ने यहाँ पर जो नए सीएम बनाए गए हैं भजन लाल शर्मा, उनका नाम सामने रखा था राजनाथ सिंह के, और उसके बाद ही बड़ा फैसला लिया गया। तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी में कोई एक फैसला नहीं ले सकता, सब मिलकर पूरा सलाह मशवरा कर पूरी रणनीति तैयार कर मसौदा तैयार कर तब जाकर फैसला लिया जाता है, ये बीजेपी। दूसरी तरफ ये भी आरोप लगते रहे, देखिए आज सबसे पहले जो एक बात है शिवराज सिंह चौहान को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहले से ही एग्जिट पोल्स ओपिनियन पोल्स से कह रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जो वहां पर मामा से मशहूर हैं, मामा ने बेहतर काम किया है, मामा की योजनाओं पर लोगों को विश्वास है, मामा पर लोगों को विश्वास है, और यही वजह है कि वहां पर ओपिनियन पोल एग्जिट पोल और आंकड़े पूरी तरह से सही साबित हुए। अब उम्मीद तो ये थी कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान को कमान सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यहाँ पर मोहन यादव को कमान सौंप दी गई। देखिए मोहन यादव पर कई तरह के आरोप भी लगे हैं, लेकिन बीजेपी ने शायद ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए उन सबको दरकिनार कर दिया है, ठीक है। लेकिन आज सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है। दरअसल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आप कांग्रेस में आ जाइए, हम आपको अच्छा पद देंगे, आप कांग्रेस चले जाइए क्योंकि आप की अनदेखी की गई है। खैर ये तो सबका निजी ओपिनियन हो सकता है, एक सोच हो सकती है, लेकिन खुद शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप दिल्ली आएंगे किसी पद के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं मरना मंजूर करूंगा लेकिन पद के लिए मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में ही रहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में ही जीना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। ये बात जरा सुनिएगा, उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अब उन्होंने कहा कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन मांगना पसंद नहीं करूंगा। दर्द दिख रहा है, भले कितना छुपाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो टीस जो है वो कहीं ना कहीं दिख रही है। पार्टी आलाकमान, नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा वो तो मानना पड़ेगा, लेकिन एक दर्द, क्योंकि हर किसी का ये मानना था मध्य प्रदेश में कि शिवराज सिंह चौहान की वजह से ही बीजेपी को इतना बहुमत वहां पर मिला है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने काम किया है। अब होता ऐसा है कि एक और वीडियो सामने आया, वो वीडियो भी आपको मैं दिखाऊंगी। कुछ महिलाएं शिवराज सिंह चौहान से मिलने जाती हैं, आंसू छलक आते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी भावुक हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमने तो मामा को वोट दिया था तो फिर मुख्यमंत्री कोई और क्यों, हमने तो मामा को जिताया है तो मुख्यमंत्री कोई और कैसे बन सकता है। यहाँ मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर हो सकती है लोकसभा चुनाव में, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो बड़ा खेला यहाँ पर बीजेपी ने किया है। ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी ताकतवर नहीं है, बीजेपी ताकतवर है और अच्छा खासा जनादेश बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी को भी कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि INDI जिस तरह से गठबंधन इकट्ठा हो रहा है, हालांकि गठबंधन में भी कहीं ना कहीं इक्का दुक्का फूट सी जो है वो नजर आती रहती है, लेकिन अगर वो सच में ये जो पूरा अब, क्योंकि अब INDI पूरी तरह से अब जो है फ्रंट फुट पर आकर खेलेगा, क्योंकि चुनाव देखिए खत्म हो चुके हैं, विधानसभा और सीएम के ऐलान भी हो चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जानती थी कि कुछ तो हमें ऐसा करना होगा ताकि कहीं भी गलती ना हो, गलती से भी गलती ना हो, तो ये तैयारी बीजेपी ने कर ली है। बीजेपी को फायदा कितना होगा ये तो खैर देखना होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी ने पूरे गुणा गणित के साथ एक पूरा तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। 400 का टारगेट बीजेपी ने रखा है कि हम 400 प्लस सीटें लेकर आएंगे, तो 400 प्लस सीटें लेकर आनी है तो फिर बहुत कुछ
करना होगा, बहुत कुछ बदलाव होंगे। और जिस तरह की तस्वीर इस वक्त नजर आती है, इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि उत्तर भारत दक्षिण भारत जो है वो अलग अलग हो गया है। दक्षिण में भाजपा कमतर है, कमजोर है, लेकिन उत्तर में भाजपा पूरी तरह से मजबूत है, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से भाजपा को दोनों ही तरफ देखना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खैर, यहाँ पर तो नए चेहरों को मौका देकर ये दिखा दिया है कि बीजेपी में हर किसी को मौका मिलता है, चाहे कोई एक बार का विधायक जीता हो, चाहे वो 10 बार का विधायक जीता हो। अब इसका असर धरातल पर कितना होगा, क्या ये पॉजिटिव ही जाएगा क्योंकि बीजेपी पॉजिटिव ही लेकर चल रही है, या फिर इसका नेगेटिव असर भी नजर आ सकता है। मध्य प्रदेश से वो तस्वीर नजर आनी शुरू हो चुकी है, अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में देखते हैं। आज के एपिसोड में भारत एट नाइन के फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या आप इन तीनों ही मुख्यमंत्री के नामों से खुश हैं ये भी जरूर बताइएगा।